वेलकम बैक। अब नेक्स्ट हमने ईमेल जो है बना लिया था ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला, और हमने एक छोटा सा फ्लैश मैसेज भी चलाया था। अच्छा, फ्लैश मैसेज दो तरह से चला सकते हैं हम, सेशंस में भी चला सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इन फ्यूचर पीएचपी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं तो ज़रूरत नहीं है। अब हम लॉगिन वाले प्रोसेस पर जाते हैं। लॉगिन वाले प्रोसेस पर जाने के लिए यहाँ से हम इंडेक्स में जाएंगे, और सेम वैसे ही जैसे ऑलरेडी हमारा फॉर्म चल रहा था, सेम वैसे ही इस फॉर्म को चलाएंगे। दिस वन एंड दिस वन एंड दिस। ओके, नाउ लेट्स सी। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक्शन, ओके, मेथड, पोस्ट देना है, पोस्ट दे लें, गेट देना है, गेट दे लें, मैं पोस्ट दे रहा हूँ। और यहाँ पर एक्शन स्लैश लॉगिन डॉट पीएचपी एक्शन है, सॉरी। और यहाँ पर अच्छा, हम ये कोड इस फाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि सीक्वेंस आप अलग रखें। मैं लॉगिन डॉट पीएचपी का ये बना लेता हूँ, एंड क्विकली यहाँ पर भी, अभी हमने वैलिडेशन भी नहीं लगाई है, क्विकली यहाँ पर मैं ईमेल इज इक्वल टू, सॉरी, पोस्ट एंड ईमेल फॉर गेट ईमेल डाटा एंड इसी तरह पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड फॉर पासवर्ड डाटा। ओके, लेट्स सी नाउ। अब यहाँ पर नेम हमने नहीं दिया हुआ, नेम देना मस्त है। ईमेल एंड यहाँ पर नेम देना मस्त है, पासवर्ड, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, एंड लॉग इन करवा रहा हूँ। लॉ जी, ये यहाँ पर आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पर से इको ईमेल करता हूँ, तो यू कैन सी कि ये मेरा ईमेल मिल रहा है, पासवर्ड भी जाहिर सी बात है मिल रहा होगा। अब क्योंकि ये डेटाबेस का कनेक्शन है, तो मुझे यहाँ पर अपने कनेक्शन को भी इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, सी एन फाइल देनी पड़ेगी। सी एन फाइल अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये देखिएगा, ये मैंने जस्ट एक फाइल बनाई थी, इसके साथ मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। के बाद अगेन मैं यहाँ पर क्यूरी दूंगा, क्यूरी में मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर, ये क्यूरी मैं हमेशा कैपिटल लेटर्स में देता हूँ, कैपिटल लेटर्स ही हो तो बेहतर है, तरह डिफरेंस पता लग जाता है, वरना स्मॉल लेटर्स में भी चलेगी। एंड ठीक है, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड दिस वन। ओके, नाउ रिजल्ट इज इक्वल टू माई एस क्यू एल आई क्यूरी और डाई कांट रन क्यूरी दिस वन। और यहाँ पर सी एन, यहाँ पर ये क्यूरी, अच्छा जी, कांट रन क्यूरी, अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट हम अगेन वही प्रोसेस जो कि हमने रोज को काउंट किया था, माई एस क्यू एल आई नंबर ऑफ रोज, और इसके अंदर मैं ये रिजल्ट का वेरिएबल दे देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद इसको अगेन काउंट कर लेते हैं, ए एन ग्रेटर देन जीरो, अगर एन हमारा 0 से ज़्यादा है तो हमारा ये प्रोसेस हमें लोकेशन पर ले जाए डबल डॉट स्लैश होम डॉट पी एच पी की, एल्स, ओके, और एल्स हमारा ये प्रोसेस हमें यहाँ पर ले जाए। अब क्योंकि हम यहाँ पर, अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब डाटा है, और लेस देन 0 है तो इसका मतलब डाटा नहीं है, तो यहाँ पर हमें अगर डाटा नहीं है तो एक एरर भी शो करवाना पड़ेगा। लेट्स सी, ये एरर हमने यहाँ पर शो करवाया था दिस वन। मैं सेम यही प्रोसेस यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर कहता हूँ ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग,
है, और यहाँ पर इंडेक्स पर ले आते हैं, क्योंकि ये एरर ऑलरेडी पास्ट है हमारे हेडर फाइल में, तो हमें पास करने की जरूरत नहीं। लेट्स सी, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये मुझे लॉगिन के प्रोसेस पर ले आता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसको ईमेल और पासवर्ड रॉन्ग दे देता हूँ, दिस वन लॉगिन किया, तो ये देखिए ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग, ओके दैट्स इट। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बनाया है, यहाँ पर हमने लॉगिन का प्रोसेस बनाया। अब हमारा यहाँ पर एक नेक्स्ट टास्क है, और वो ये टास्क है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा होम पेज है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप मान लीजिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, दिस वन, ये मैं लॉगिन कर लेता हूँ, चला जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पर लेके आता हूँ, तो ये देखिए विदाउट लॉगिन इसने मुझे यहाँ पर भी एक्सेस दिया हुआ है। तो ये हमें थोड़ा सा प्रोसेस को सिक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने ये देखना है और अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट फॉर्म में भी सेव करवा कर देखना है। तो आई होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। सबसे पहले हम पेज को सिक्योर करेंगे, देन हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट फॉर्म में सेव करवाएंगे। तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।